अधिवेशन के बाद भूपेश के तेवर, खुली चुनौती दी ईडी को लेकर, लड़ो और जीतो का दिया नारा, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सीधे ईडी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने लड़ो और जीतो का नारा देते हुए बीजेपी को भी घेर लिया। अधिवेशन के बाद सीएम भूपेश बघेल के तेवर अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। जाहिर है कि कांग्रेस के अधिवेशन से पहले भी ईडी के छापे कांग्रेस नेताओं पर पड़े थे। तब भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईडी के जरिए अधिवेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, और अब अधिवेशन के बाद भी कांग्रेस के निशाने पर फिर ईडी है। पहले तो हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डालें, उसके बाद विभागों में छापा डालें। अभी कोल स्कीम कहते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए। एनवायरनमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए, 4 घंटा 5 घंटा, बिना अब पता नहीं कौन था वो, ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। इधर सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की माने तो ईडी अपना काम कर रही है, कांग्रेस बेवजह ही आरोप लगाती है। अरे लड़ो ना, अपने आप से लड़ो कि हम ईमानदार कैसे बने। अपना व्यवहार, आचरण, चरित्र, शासन की कार्य पद्धति को कैसे सुधारें, इसके लिए अपने आप से लड़ने की जरूरत है कि अभी तक जो अन्याय किया उसको, उसका समाधान आने वाले समय में कैसे करें। कुल मिलाकर अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जोश हाई दिख रहा है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में कांग्रेस ईडी के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरती दिखेगी। सीएम भूपेश ने भी लड़ो और जीतो का नारा देते हुए इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए क्या प्लान तैयार किया है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। 3 दिवसीय कांग्रेस के मंथन में संघर्ष, समर्पण और सत्ता का जो अमृत संदेश मिला, उसे अब जमीन पर उतारने का कांग्रेस ने निश्चय कर लिया है। शायद यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन खत्म होने के दूसरे दिन ट्वीट किया तो उसमें हैशटैग था लड़ो और जीतो। 3 दिनों के महाधिवेशन के दौरान जब जब दिग्गज नेताओं का संबोधन हुआ तो कुल मिलाकर सार भी यही था कि सत्ता बिना लड़े हासिल नहीं हो सकती, फिर चाहे बात 2024 के लोकसभा की चुनाव की हो या फिर 2023 में सत्ता में वापसी की। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब आज ट्वीट किया तो निशाने पर ईडी जरूर था, लेकिन इशारा भाजपा की तरफ था। जाहिर है कांग्रेस के लिए भाजपा ने जो चुनौतियां तैयार रखी हैं, वह न सिर्फ सियासी नजरिए से कांग्रेस को निपटना होगा, बल्कि ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों से भी डटकर मुकाबला करना होगा। ऐसे देखा जाए तो अधिवेशन के लिए अड़ंगे बहुत सारे थे, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इन चुनौतियों का जिक्र आए दिन अपने बयानों में लगातार किया। तो क्या यह मान लिया जाए कि मंथन में मिले लक्ष्य को कांग्रेस ने हासिल करने की रणनीति तैयार कर ली है? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लड़ो और जीतो का नारा देकर अपने कार्यकर्ताओं को चुनौती के लिए तैयार रखने का संकेत दे दिया है? आज चर्चा महाधिवेशन के सार पर भी करेंगे और इस सार के बाद बढ़े सियासी सरगर्मियों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद दुबे साहब, पूर्व महापौर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अमित चिमनानी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रदेश प्रभारी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी साहब भी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहला सवाल तो सीधे तौर पर मैं प्रमोद दुबे जी से करूंगा कि हैशटैग लड़ो और जीतो, इसका क्या मतलब निकाला जाए प्रमोद दुबे जी, क्योंकि महाधिवेशन का यही सार है। क्या समझाने की कोशिश करेंगे इस हैशटैग लड़ो जीतो का सार क्या है आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से? प्रमोद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की ओर से लड़ते आई है आज तक, और जब जब अन्याय हुए, अत्याचार हुए, वो अंग्रेजों के समय से चल रहा है। आपको भी मालूम है कि कितनी बड़ी आज़ादी मिली, उसके बाद फिर आज की स्थिति और हालात ऐसे हैं कि लोगों के पसीने और खून से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की गई, भिलाई इस्पात संयंत्र से लेकर बोकारो से लेकर इस देश में
रेल सेल भेल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी और आम जनता के अनुरूप संघर्ष करके और लड़के इन बड़े संस्थानों को खड़ा किया। अब उन संस्थानों को जिस बेदर्दी से बेचा जा रहा है, जनता के पैसे से बनाई हुई उन चीज़ों को जिस बेतरतीब से उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, तो आदित्य जी ये तो स्पष्ट है कि खून पसीने के पैसे से जो आदमी घर बनाए, उस घर में आकर किराएदार अगर पूछे कि ये मकान को आप कैसे, किराएदार से अगर आदमी पूछे कि कैसे आप इस मेरे पूरे मकान की तहस नहस कर रहे हैं, तो मकान मालिक का पहले भी यही कर्तव्य था कि उसने कितने खून पसीने की कमाई से इन चीज़ों को बनाया था। आज भी कमोबेश वही स्थिति देश में है और खुद इस देश के लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। जिन चीज़ों को इतने खून पसीने से सींचा, इस बेदर्दी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महज केवल 8 सालों में, और एक ही बात कहना बस कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, आपको भी मालूम है आदित्य जी और इस देश की जनता को भी मालूम है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक और चांद तक महिलाओं के पहुंचने में जो भूमिका कांग्रेस पार्टी के और देश के नेताओं ने किया है, उस काम को अगर कहीं बेदर्दी से मिनटों के अंदर अगर बेच दिया जाए और किसी के हाथों में गिरवी रखने का प्रयास किया जाए, तो ये तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों के समय भी नहीं होने दिया और आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए भूपेश बघेल जी ने कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे, वो पब्लिक सेक्टर की बात हो, प्राइवेट सेक्टर की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, चाहे बच्चों के लिए बात हो, चाहे वृद्धों के लिए बात हो, ये सारे लोगों के लिए फिर से एक बार दूसरी आज़ादी के लिए लड़ना होगा और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, ताकि इन चीज़ों को दोबारा न बेच पाए, इसलिए ये चीज़ें लड़ो और जीतो का नारा भूपेश बघेल जी ने दिया। चिमनानी साहब, बीजेपी कौन सा हैशटैग अपनाएगी? बीजेपी तो सेल्फी अभियान चला रही है, यहाँ लड़ो और जीतो शुरू हो गया है, कहाँ पर है बीजेपी, किस तरह से देख रहे हैं इस नए अभियान को कांग्रेस के? चिमनानी साहब, नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूँ कांग्रेस के इस अभियान का कि कांग्रेस को लड़ना चाहिए, बहुत लड़ने की जरूरत है, लेकिन उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो कहें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, वो कहें कि हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ ईडी के जो छापे हैं उसमें 50-50 लाख रुपए नगद अधिकारियों के घर से मिल रहे हैं, किलो के वजन में सोना मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, और पूरी की पूरी कांग्रेस की पार्टी आला कमान, बड़े नेता छोटे नेता, ईडी गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, गलत कर रही है, कि रट्टा लगा रहे हैं। अरे लोग और जनता ये सोच रही है कि जब इतने सबूत मिल गए उसके बाद कांग्रेस ये हल्ला क्यों कर रही है, लोग हैरान है। और कहीं ना कहीं ईडी का कार्य बाधित हो, कहीं ना कहीं ईडी का कार्य बाधित हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो, ईडी पर दबाव बनाना, 1,500 लोग चले जाना, ईडी के अधिकारियों को कहना कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको जमानत तो मिल नहीं रही है, और उनके घर से जो बरामद हुई ये चीजें वो किसकी हैं? तो कम से कम एक बार तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कह देता कि भैया जो अधिकारी के घर से सोना मिला किलो के भाव में, जो डायमंड मिला, जो नगद मिला, जो 152 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, कि चलो उसके साथ जो न्याय होना चाहिए वो होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार एक कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा। क्यों भाई, छत्तीसगढ़ की मेहनतकश लोगों का पैसा ऐसे लूटने दिया जाएगा? और आप लोग कहते रहेंगे कि ईडी गलत कर रही है, आपके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूं इन्फोर्समेंट लिखा है। इसका जो मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें बाधा बन रही है और इसीलिए जनता उससे दूर हो रही है। दूसरी बात अभी सामने आई लड़ो और जीतो की, तो मुझे पिछले दिनों में जो शहीद हमारे हुए उनके रक्त से जो छत्तीसगढ़ की सड़कें लाल हुई हैं वो याद आ रहा है कि पिछले 10-15 दिन में ही 7-8 जवान शहीद हुए, 4 भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, लगातार ग्रामीणों की हत्या हो रही है, नक्सली बम धमाके कर रहे हैं, सड़कों को बनने नहीं दे रहे हैं। तो आप लड़िए ना नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम आपका साथ दे रहे हैं। ठीक, तो आप लेकिन लड़ेंगे किसके खिलाफ? जी जी ठीक जी, मैं आता हूं आपके पास। गंगेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महाधिवेशन का संकेत बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को अब और आक्रामक होकर सामने आना होगा। ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल एजेंसीज हैं छत्तीसगढ़ में लगातार मौजूद हैं, ये बात आती है, तो क्या कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं राज्य सरकार को बीजेपी और केंद्र सरकार से पार पाना? गंगेश जी, देखिए जिस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है और भाजपा पिछले साल भर से सक्रिय है,
दोनों बातों पर कहना चाहूँगा, भाजपा का जो पिछला प्रदर्शन रहा 2018 का बेहद शर्मनाक रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और कांग्रेस ही बम्पर जीत हुई, और पिछले साल भर से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे बड़े नेता आके जा चुके हैं, और इवन नड्डा जी ने भी पिछले महीने शंखनाद किया है, नए सिरे से चुनावी शंखनाद उनका शुरू हो गया है, तो भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में है, उनके कार्यकर्ता फील्ड में उतर के अपने मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा असर उनका दिख रहा है पब्लिक के बीच में। अब उसके अलावा ईडी का जो छापा पड़ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अधिकारियों का जो छापा पड़ रहा है वो कहीं गलत है, प्रशासनिक स्तर पर अपना काम हो रहा है, और ये बात ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में रहे और उसका उस चीज़ का उपयोग कर नहीं करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी तरह से भाजपा आरोप लगाती थी कि तोता बन चुका है कांग्रेस, मतलब सीबीआई जो है कांग्रेस की तोता बन चुकी है, तो इसी तरह का आरोप कांग्रेस अब ईडी पे लगा रही है, ईडी और आईटी के जो अधिकारियों पर लग रहे हैं। तो ये देखिए क्या होता है चुनाव के समय, हम सबको पता है कि फंडिंग के लिए जनता के बीच जाना रहता है और उद्योगपतियों के बीच जाना रहता है, पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है जिसमें चंदा हर दोनों पार्टी लेती है, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा। तो अगर प्रमोद दुबे जी को आवाज नहीं आ रही, क्योंकि प्रमोद दुबे जी अमित चिमनानी जी जब बोलेंगे तब आपके पास आवाज आएगी, बाकी माइक जो है क्योंकि स्लो है। बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगा कि आज आपके एक बड़े नेता का ट्वीट आया चिमनानी साहब की कांग्रेस के मंथन से झाग ही झाग निकला है, लेकिन यहां तो लड़ो और संघर्ष करो का नारा निकल गया, जाहिर सी बात है बीजेपी के अंदर खलबली तो मची होगी, क्या तैयारी है इस हैशटैग से निपटने के लिए लड़ो और जीतो? अमित जी देखिए 2014 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं तब भी कांग्रेस ने यही बात कही है। उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत जबरदस्त नारा प्रियंका जी ने दिया, मैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, क्या हुआ जितने लोग थे सबकी जमानत जब्त हुई। ये लड़ने की जो बात कर रहे हैं, नहीं आपस में लड़ रहे हैं, ये मोहन मरकाम जी को सोनिया गांधी जी के गार्ड ने धक्का मार दिया और मुख्यमंत्री खड़े रहे कुछ नहीं बोले। आपने देखा शहर के महापौर के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि कैसे मोहन मरकाम जी के फोटो फ्लैग से गायब कर दिया, आपने देखा कि टी एस सिंहदेव कैसे अलग अलग देखे। आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है ना वो लड़ो वाली जो नीति है वो अपने अंदर अपना रही है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इन्हें मैंने कहा ना कि जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए तब जनता इनका साथ दे सकती है, लेकिन आज की स्थिति में चाहे हम राज्य की बात करें चाहे हम राष्ट्र की बात करें हर जगह कांग्रेस लड़ रही है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मकान की बात अभी की गई जी। कि मकान लोगों का अपना है कि किराए का है, मोदी जी तो सबको अपना मकान दे रहे हैं, लेकिन वो मकान 11 लाख परिवारों का 16 लाख लोगों का मकान आपने नहीं बनने दिया है, क्यों नहीं बनने दिया, और इसके लिए टीएससी देव जी ने इस्तीफा भी दे दिया, तो मकान आप बनने नहीं दे रहे हैं, केंद्र की योजनाएं लागू होने नहीं दे रहे हैं, और फिर लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता के लिए जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं वो अधिकारियों के घर से निकल रहे हैं, तो ऐसे होगा कैसे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा कोई कार्रवाई कराती है ईडी जबरदस्ती करती है तो कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए ना ईडी को, लेकिन ईडी ने तो 570 करोड़ रुपए की डिटेल जारी कर दी है, ईडी ने तो कोल में जो 25 रुपए की अवैध दलाली खाई जा रही है उसका डिटेल दे दिया है, ईडी को जो जब्त हुआ है उसका फोटो खींच के नोटों का अभी जो छापे पड़े दो चार दिन पहले उसका कोई डिटेल आया है क्या, और यहां तक कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है, तो आप ईडी पे किस मुंह से भाई आप आरोप लगा रहे हो? ये सब जो पैसा मिला है संपत्तियां मिली है ये किसकी है, इसका जवाब दीजिए फिर। प्रमोद जी महाधिवेशन में जो कुछ निकला उसका तो सार हमें समझ में आ रहा है, हम आपका ध्यान राहुल गांधी के संबोधन के ऊपर कर रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बात कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा था कि आप कार्यक्रम बनाते रहिए, ये तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए, आने वाले दिनों में किस प्रकार की तपस्या देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्य में? प्रमोद जी अमित जी सबसे पहले अमित जी जो बात कह रहे थे मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है तकलीफ भी होती है, आज भी बस्तर के लोग ना जर्सी गाय को देख रहे हैं, 16-17-18 साल हो गया सबके घर में बड़ा बड़ा रस्सी टंगा हुआ है कब आएंगे, एक हम लोग चित्र देखते थे ना कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, उसी प्रकार से इन लोगों के घोषणा पत्र में अभी केंद्र के 75 घोषणा पत्र हैं, वो 75 घोषणा पत्र की जरा सुनील सोनी जी अगर एकाठों की बात कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार में से कुछ रोजगार की बात कर लेते, बेरोजगार युवकों को 6-6 महीने पुराने जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, जिसको एसडीएम नियुक्ति पत्र देता है, कोई आदमी का नियुक्त हुआ है उसका वो परीक्षा दिया है, उसके परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से
उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मैं आज तक के हिस्ट्री में 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, 50 साल मेरी उम्र हो गई है, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाया मैंने, मैंने आज तक ऐसा प्रचार का माध्यम और साधन नहीं देखा भाई कि नियुक्ति पत्र को 6 महीना पहले पुराना जो आदमी नौकरी लग गया है उसके नियुक्ति पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में देकर के आप बताना क्या चाह रहे हो, पहला चीज। दूसरा चीज, भूपेश बघेल जी की सरकार ऐसी सरकार है, आपको पता है कि बोनस से लेकर आज तक के जितनी योजनाएं चली, आपको पता है कि बीजापुर जैसे छोटे जगह में भी 2000 किसान मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, जहां दो ठो था आज वहां 438 ट्रैक्टर हैं। तो इन सब चीजों को, जहां 412 स्कूलों से ज्यादा स्कूलों को नक्सली क्षेत्र में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बंद कर चुकी थी, उन स्कूलों को चालू करवा के अंग्रेजी माध्यम में आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाएं शुरू हुई। बस एक सेकंड और चाहूंगा मैं, पूरे सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के बात उठती है। शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोल दिया भूपेश बघेल जी ने, MMU के माध्यम से आज हर मोहल्ले में गाड़ियां जा रही हैं जहां 46 प्रकार के टेस्ट होते हैं, मुफ्त में दवाई दी जाती है। इसके बाद रोजगार की स्थिति के बारे में आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता कि यहां कितनी भर्तियां शिक्षा कर्मियों के हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि जो सरकार को आम लोगों के लिए काम करना चाहिए वही काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, और जो काम जनता के लिए करना चाहिए उस काम को छोड़ करके केंद्र सरकार ने छापा मारने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है भाई। 75 उपलब्धियों में एक उपलब्धि बोलोगे तो आप असम में छापा मारे, छत्तीसगढ़ में छापा मारे, वहां छापा मारे, 29 मुद्दे तो यही हो गए इनके। अमित जी जवाब दीजिए, 29 राज्य में पूरा बढ़िया छापा मारे और पूरे योजनाओं को इन्होंने फलीभूत किया छापा मार। अभी एक बात निकली कि नौकरी दी मोदी जी ने और सर्टिफिकेट दिया, तो कम से कम मोदी जी जो काम किए हैं उसका खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वैक्सीन देते हैं मोदी जी और फोटो यहाँ लगता है मुख्यमंत्री जी का और TS बाबा का। तो काम केंद्र करता है, क्रेडिट यहाँ राज्य लेने का प्रयास करता है, मोदी जी वही क्रेडिट लेते हैं जो वो खुद करते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली में जो काम हुआ या केंद्र सरकार जो कर रही है उतनी दूर नजर चली जाती है कांग्रेस की। 133 दिनों से विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठी हैं, आज वो अपना सर मुंडवा रही थी, पूरा प्रदेश वो वीडियो देख करके रो रहा है। रायपुर में क्या हो रहा है ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा, दिल्ली में क्या हो रहा है इसकी बात ज्यादा आप करते हैं। रायपुर में ये हो रहा है चिमनानी साहब, कि छह जो पेंशन शुरू से शुरू हुआ था ना, वो पेंशन आज तक लागू है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। जी मैं सुन लेता हूं, एक चीज मैं पूरी बात कर लूंगा, दूसरा बस 10 सेकंड। दूसरा, हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रमाण दे रहे हैं, इतना मादा है हमारे अंदर, हम फेकोलॉजी नहीं करते। 1 करोड़ लोगों के साथ हम सेल्फी लेंगे, 1 करोड़ हितग्राही हैं जिनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि हमने जो काम किया उसका प्रमाण दे रहे हैं। अब आपके कांग्रेस की तरह हम दूसरों के काम का फोटो खुद लगाकर क्रेडिट नहीं लेते। ठीक दुबे साहब, मुझे तो बड़ा मजा भी आता है और इन सब की बातों पर हंसी भी आती है। कैसे मजेदार लोग हैं आदित्य जी, मैं बताऊं आपको, 3 साल पहले इसी केंद्र की सरकार ने वो धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया रांची के पास में, जहां झारखंड में अभी बहुत बवाल मचा। उसके बाद 3 साल बाद उसको आदेश को वापस ले लिया और बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवा दिए माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, जिसको धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था उस पर्यटन स्थल को वापस धार्मिक स्थल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। अरे भैया, ये योजना किसने लाई थी? आपके पर्यटन मंत्री ने लाया था। आपने उस जगह को, जो जैन समाज के सम्मानी लोग हैं उनकी जगह को, आपने धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल और शराब बेचने का आपने ठेका दिया था, और आपने अपने आदेश को वापस लेकर के खुद ही पेपर निकाल रहे हैं, खुद ही जांच रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं मेरिट में आ गए और विज्ञापन छपवा दे रहे हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह, ऐसी योजनाओं के बारे में आंसर करना पड़ेगा। अरे जो वास्तव में जो लोग वीर थे उन वीरों को नौकरी देने के बजाय 4 साल को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। 17 साल का आदमी 21 साल में रिटायर, उसके घर के पास लिखाया रहेगा रिटायर्ड छात्र। अरे ये ऐसी योजनाएं बनाई जाती है क्या इस देश में? आदित्य जी साहब,
लोगों ने इन चीजों को, अमित चिमनानी जी उस बात को नहीं कह रहे हैं कि सेल बिक गया, रेल बिक गया, सारी चीजें बिक गई, आपने प्राइवेट सेक्टर कितनी चीजों को बेच दिया, नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे आदरणीय सिंधिया, ये सारे लोग पूछ रहे हैं, इसके जवाब देगा कौन आखिर? जी अमित जी, सबसे पहले जो जैन समाज के तीर्थ स्थल की बात हुई वो राज्य का रिकमेंडेशन होता है, ये मोदी सरकार की उदारता है कि अपने फैसले को जनहित के लिए बदलने का वो मादा रखती है, तो मोदी जी को धन्यवाद। दूसरा, मैं जरा अध्ययन कर ले साहब, नहीं बोल रहा। दूसरा, बार बार आप ये बोलते हैं कि देश बिक रहा है और ना जाने आप अदानी पे और बहुत सारी बातें आप लोग करते हैं, राफेल के समय भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। नोटबंदी के लिए आपने हर राज्य में चुनाव में हल्ला किया, वहां हारे भी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि नोटबंदी का निर्णय सही था। आज भी मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के मित्रों को, अगर वो राष्ट्रहित का सोचते हैं और उनको लग रहा है कि कोई गलत चीज हो रही है तो केवल बयानबाजी ना करें, कोर्ट में जाएं और वहां से फैसला करवा के आएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल भ्रमित करने से नहीं चलेगा, अब कांग्रेस कोर्ट जाने से भी डरती है क्योंकि कोर्ट में दो बार राहुल जी को माफी मांगनी पड़ी है। ठीक ठीक जी जी प्रमोद जी। आदित्य जी, यहां कोर्ट कोई नहीं है, यहां जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। जनता के खून पसीने का पैसा, कल मैं अखबार में पढ़िया, आप इस देश का 50,000 करोड़ रुपया LIC का शेयर गिर गया। अब वो 50,000 करोड़ रुपया किसका था जरा चिमनानी साहब बता दें, वो जनता का पैसा था कि नहीं था? इसके लिए क्या मैं कोर्ट जाऊंगा? क्या वो 50,00,000 लोग कोर्ट जाएंगे? आप कैसा मजाक कर रहे हैं? आप गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं? आप 49,53,00,000 जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, आज आपने 85 करोड़ तक उसको पहुंचा दिया और आप कह रहे हैं देश बहुत तरक्की कर रहा है। यह तरक्की करने का कौन सा फार्मूला अलाउद्दीन का चिराग आप लोगों ने लगाया है कि जिस देश में 49 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे आज वो 85 करोड़ पहुंच चुके हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह देश विश्वगुरु बनने वाला है, और 85 करोड़ को आप कहते हैं 5 किलो हम अनाज मुफ्त में देंगे? अरे आप मुफ्त में अनाज में दे करके और आदमी को हलाल बनाने के, कोढ़िया बनाने के लिए आपने जो साजिश रची है, यही साजिश पाकिस्तान के लोगों में वहां की सरकार ने रची है। इसलिए वहां ये स्थिति है कि आटे के नाम से गोली चल रही है, शक्कर के नाम से गोली चल रही है, राशन दुकानों में कोई आदमी बच नहीं रहा है। यही भविष्य करने की कगार पर यहां के लोग खड़े हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके आंकड़े कह रहे हैं, इस देश के लोग कह रहे हैं, चंद चिमनानी साहब जैसे लोग या और बड़े लोग होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए जो बेचारे एक टाइम की अपने भूख से जिन जीवन जी रहा है। तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था और मोदी के राज में आटे की भीख मांग रहा है, यही नीतियों में फर्क है। और जो LIC का नुकसान की बात कर रहा है उसके बारे में LIC और SBI के लोगों ने खुद स्टेटमेंट दे दिया, तो इसमें कोई भ्रमित करने वाली बात बचती ही नहीं है। ठीक 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 गंगेश जी, इस अधिवेशन का कितना बड़ा असर चुनावी राज्यों में आप देख पाएंगे? जहां जहां राष्ट्रीय अधिवेशन महाधिवेशन होते हैं, क्या वहां कुछ फर्क पड़ा? इसके पहले के अगर स्तर पर हम बात करें, जहां जैसे उदयपुर में हुआ, राजस्थान का हम बात करें, इसके पहले जहां जहां, क्योंकि 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन था, तो क्या जहां जहां अधिवेशन होता है वहां पर विधानसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ता है उस राज्य के लिए? क्या मानते हैं आप अभी तक के अधिवेशन को देखते हुए? देखिए, पिछला अधिवेशन राजस्थान हुआ था, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रही, हालांकि वहां का ट्रेंड रहा कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। अब इस बार यहां अधिवेशन हुआ है, छत्तीसगढ़ में ऐसा ट्रेंड अभी बना नहीं है। पहली बार कांग्रेस सत्ता में थी, तीन बार भाजपा रही है, इस बार भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार के साथ वापसी हुई, बड़ी वापसी हुई है। लेकिन ये बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे स्थान में पहली बार राज्य में पहली बार अधिवेशन हुआ है, इससे मुझे लगता है जो 3 दिन की गतिविधियां जो दिखाई दी हैं और नेताओं के जो उनके लीडर्स के भाषण रहे हैं, उसको लेकर यहाँ के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर रिचार्ज हुए हैं कांग्रेस के। भाजपा फील्ड में बहुत मेहनत कर रही है, उसको उनके लिए भी ये चुनौती की तरह से सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि इस अधिवेशन का जिस तरह से बूस्टअप हुआ है और जो निकल के आया है कि लड़ो और जीतो, तो इसको लेकर कांग्रेस बहुत तेजी से सक्रिय होगी अगले 6-7 महीने में, और निश्चित तौर पर दोनों पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई देगी और बयानबाजी भी चलेंगी। तो उसका फायदा तो यहाँ की पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है और पार्टी के नेताओं को मिल रहा है। तो देखिए, 2023 का चुनाव नजदीक है, 2024 का आम चुनाव भी है, और हैशटैग लड़ो और जीतो, अभी तक ये बात सामने आती थी कांग्रेस की तरफ से, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन अब नारा है लड़ो और जीतो, मतलब बहुत साफ है 2023 के चुनाव के पहले
अभी कई परिस्थितियां छत्तीसगढ़ को देखना है। सेंट्रल एजेंसीज अगर आती हैं तो उसका गतिरोध और प्रतिक्रिया अब शायद दूसरे स्तर पर राज्य में नजर आएगी, ये संकेत भी दिया और बहुत साफ किया है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से सरकार को निपटना पड़ सकता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।